हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। बीएसएफ वाटर विंग, बीएसएफ वाटर विंग के कॉल लेटर जारी हो गए हैं। एग्जाम पहले होगा, उसके बाद आपका फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल सब एक साथ हो जाएगा। अब बात यह आती है कि जो हमारे साथी जो हैं वो फॉर्म बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फिल किया था, ऑफलाइन फॉर्म था, ऑफलाइन फॉर्म फिल होता है तो बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, उसकी वजह से आपके कॉल लेटर नहीं आते हैं। अब काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो जिनके कॉल लेटर नहीं आए हैं वो कौन है, वो कांस्टेबल क्रू के कैंडिडेट हैं। अब कांस्टेबल क्रू का कॉल लेटर क्यों नहीं आया उसका मैं वजह बता देता हूं आपको कि यदि आपने बोट ऑपरेशन का सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो आपका कॉल लेटर नहीं आएगा। दूसरा, आपको यदि आपने अंडरटेकिंग नहीं दिया था स्विमिंग का जो आपके फॉर्म में था एनेक्सर D1, यदि वो नहीं दिया तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट में जा सकता है। अब बात यह आती है कि यदि फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो जो आपने 100 रुपीज फीस पे की थी उसका क्या होगा? कायदे से तो वो फीस जो है वो आपकी लौटानी चाहिए। फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आपके पास सूचना आनी चाहिए। अब फोर्स क्या करती है क्या नहीं करती है, ये फोर्स में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या निर्णय करती है इस पर, वो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन दो चीजें देखिए, दो गलतियां यदि आपसे हो गई हैं ये कांस्टेबल क्रू में विशेष रूप से, कि पहला, बोट ऑपरेशन का एक्सपीरियंस लेटर जो 1 साल या उससे ज्यादा का होना चाहिए था वो आपका नहीं था तो कॉल लेटर के चांस देखिए बिल्कुल ही जीरो है। और दूसरा, यदि आपने एनेक्सर D1 आपने अटैच नहीं किया था तो भी मुश्किल है। यदि ये आपने अटैच किए हैं तो आपका निश्चित रूप से कॉल आ जाएगा और आप उसका इंतजार कीजिए, अपनी तैयारी रखिए। 16 मई को आपका एग्जाम है। अब फिजिकल क्या होगा, कैसा होगा, उस पर फोकस मत कीजिए। अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी कीजिए, पूरी ताकत जो है अपनी तैयारी में झोंक दीजिए, क्योंकि वैकेंसी जो है वो आपको फिर बता देता हूँ कि हेड कॉन्स्टेबल जो है ट्रेड, हेड कॉन्स्टेबल इंजन ड्राइवर जो है वो तो अलग ट्रेड है, उसमें क्या एक्सपीरियंस, क्या उसमें कि सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। लेकिन हेड कांस्टेबल जो वर्कशॉप ट्रेड है उसमें आपका मैकेनिक डीजल है, इलेक्ट्रीशियन है, एसी टेक्नीशियन है और इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनिस्ट, कारपेंटर, प्लम्बर ये सब है, तो इसमें किसी में 2 वैकेंसी है, किसी में 1 है, किसी में टोटल सभी हेड कांस्टेबल वर्कशॉप का 16 वैकेंसी है। अब आप 16 वैकेंसी के पीछे देख सकते हैं कितना, किस लेवल का कंपटीशन है। तो अभी पूरी ताकत जो है वो पूरी ताकत लगा दीजिए अपने रिटर्न पार्ट पे, तो रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।